पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही माता पिता को पीट रहे शख्स पर क्रोध इतना हावी हो गया कि उसने बीच बचाव करने आए अपने ही दो चचेरे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना में 32 वर्षीय एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक का दूसरा भाई रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बहरहाल पुलिस ने एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरी घटना रेवाड़ी के गांव मुंडनवास की है। मृतक विजय के पिता के अनुसार शाम के वक्त इनके बड़े भाई का बेटा भूपेंद्र उर्फ मोगली अपने माता पिता को पीट रहा था, तो उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये और इनके दोनों बेटे विजय और ब्रह्म प्रकाश बीच बचाव करने चले गए, तो इनका भतीजा भूपेंद्र व उसका भाई आवेश में आ गए। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, पीतल ठोक दो दोनों को, बस फिर क्या था। भूपेंद्र अंदर से रिवॉल्वर निकाल लाया और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपने दोनों चचेरे भाइयों विजय और ब्रह्म प्रकाश पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ब्रह्म प्रकाश का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। सुभाष नाम। सुभाष जी, क्या है वो पूरा मामला? वो ऐसा है जी, दुलीचंद और बिमला और भूपेंद्र और उसकी घरवाली कविता और वीर सिंह और सोनू, ये झगड़ा कर रहे थे। वो मेरा बड़ा भाई है, तो मैं और उनका लड़का भीम सिंह दोनों चले गए छुटवाने के लिए। उन्हें छुटाओ छुटाओ बताई, जब छुटवाने के लिए चले गए, पीछे पीछे मेरे बच्चे भी चले गए। ठकमक्की होकर वो फिर ये ना कविता बोले, नू ना मानेंगे, इनके पीतल भर दो। वो रिवॉल्वर निकाल के लाई, वो मोगली से दे दी, वो मोगली ने विजय के मार दी। एकन ऑलरेडी वीर सिंह कन ही वीर सिंह ने निकाल के और साहब फायरिंग हुई। जब हमने तो उन्होंने रुका अंधाधुंध फायरिंग कर, तो मेरे छोर तो एक्सपायर हो गए, एक एडमिट ऑपरेशन हो रहा हो, वो खूब गोली लग गई मेरे, यो लगी साहब हाथ में, यहाँ ये दांत हिल गए, हमारी पैर में भी लगी है जी। लड़ाई उनकी थी, हम तो छुटवा रहे थे जी मेरे बच्चे को। हाँ, मेरे बड़े बेटे को एक्सपायर हो गया। हाँ, एक एडमिट है, दो ही बेटे हैं मेरे। दोनों ही आपके बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या रंजिश क्या थी? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हम तो छुटवाने गए थे। झगड़ा किस बात को लेकर? झगड़ा तो उनका भाई भाभी का उनका था घर में। हाँ, वो कह रहे थे भाई इनके क्यों आओ जाओ, तुम पारिवारिक झगड़ा। हाँ जी, हम तो छुटवाने गए, मेरे भाई ये मडा उसने आवाज़ मारी, जब हम छुटवाने चले गए, मार लिए जब छुटवाने चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, कुछ लिख के ले गए, अब ये पता नहीं कहीं आने की। आपने कितने लोगों के खिलाफ, किन किन लोगों के खिलाफ? 4 लोगों के खिलाफ। कौन कौन है? भूपेंद्र, कविता उसकी पत्नी, वीर सिंह, सोनू उसकी पत्नी। और जो बेटा आपका एक्सपायर हो उसका नाम क्या है, और जो एडमिट है उसका नाम क्या है? बड़ा बेटा था विजय, वो एक्सपायर होगा, उसके 2 या 3 गोली लगी है जी। कितनी उम्र है उसकी? 32 साल है जी। अच्छा, दूसरा? दूसरा 28 साल उम्र है, ब्रह्म प्रकाश नाम है, वो को ऑपरेशन चल रहा है, गोली लग रही है जी। हाँ जी, ऑपरेशन चल रहा है, देखो क्या रहे क्या ना रहे, भगवान मालिक है जी। मेरे तो 2 ही बेटे थे साहब, क्या है जी, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। क्या था ये पूरा मामला जो फायरिंग? ये एक पारिवारिक मामला है, जो मृतक है और जो मारने वाला है, अब चाचा ताऊ के लड़के हैं दोनों, गांव मुंडनवास कमालपुर पड़ता है, कसौला थाने गए। तो जो मृतक है विजय सनोप सुभाष, ये जो जिस पर आरोप लगा है भूपेंद्र उर्फ मोगली, उसका सगा चाचा का लड़का है। तो ये हम जब मौके पर गए तो इन्होंने बताया कि जो मोगली है अपने माँ बापों को पीटने लग रहा था, तो ये आवाज़ सुनकर उसको छुटाने के लिए गए थे दोनों भाई, जो एक इंजर्ड है ब्रह्म प्रकाश और दूसरा जो मृतक विजय, इसका पापा भी गया था मौके पर, जो मृतक का पापा है सुभाष, एक इसका जो भूपेंद्र का भाई भीम, ये सारे मौके पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने मोगली ने फायर करे हैं, ये सुभाष आई विटनेस वो बता रहे वक्त। क्या वो पुरानी रंजिश थी या सिर्फ ये छुटवाने का ही मामला? नहीं, अभी कोई रंजिश के बारे में तो पता नहीं चला है कोई रंजिश क्या थी, लेकिन ये मामला सामने आया कि भाई ये मोगली अपने माता पिता को पीटने लग रहा था, तो
कि छुटाव करने के लिए गए थे, बीच बचाव करने के लिए, जब ये हादसा हुआ है। सर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। अभी इस चीज़ को हासिल करने लग रहे हैं, उसमें कोई क्लियर नहीं है, जैसे भी आएंगे आपको बता दिया। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? ये फिलहाल चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, एक है भूपेंद्र मोगली, वीर सिंह और इन दोनों की पत्नी, चारों के खिलाफ।